प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। ऑलरेडी नीट 2020 का 45 क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम 24 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब देखो, आज लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन, नीट 2020 का क्वेश्चन। ये भी देखो मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, और मैकेनिक्स में जो सेकेंड टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन में अंडर ग्रेविटी मोशन का ये क्वेश्चन है। तो मैकेनिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक था यूनिट्स डायमेंशंस परसेंट एरर मेजरमेंट टॉपिक, उससे ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस आए थे जिसको हमने सॉल्व करा दिया था। अब सेकंड टॉपिक से देखो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक इक्वेशन का, मतलब सबसे जो सिंपल क्वेश्चन पॉसिबल है वो क्वेश्चन आया था, जिसमें कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वर्टिकली विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज, जी का वैल्यू कितना रखना है, 10 रखना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखो टाइम कहीं नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, हाइट पूछ रहा है, जी का वैल्यू दे दिया है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इसको अप्लाई करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कह रहा है एक बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया गया, देखो ये इसकी हो गया इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड देखो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड पे टकराते हैं इसमें इसका फाइनल स्पीड ये दिया है 80 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड देखो यहाँ पर दे दिया है 80 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड, और इनिशियल स्पीड यहाँ पर फाइनल स्पीड, और ये हो गया इनिशियल स्पीड। ये हाइट देखो पूछ रहा है कितने हाइट से बॉडी को नीचे थ्रोन किया गया है। क्वेश्चन में अगर ये लिख देता कि बॉडी इज रिलीज्ड, तो ऐसे में इनिशियल स्पीड उसका जीरो हो जाता है। तो इनिशियल भी दे दिया है, फाइनल दे दिया है, एच पूछ रहा है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो जब बॉडी नीचे आता है तो एक्सेलरेट होता है, जब एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक इक्वेशन पॉजिटिव में चलेगा। तो देखो अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फाइनल 80 स्क्वायर, इनिशियल 20 स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh इज इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। देखो इसको अच्छा सॉल्व करने का तरीका है, या तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर माइनस कर दो, या तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा देखो 80 प्लस 20, और दूसरे ब्रैकेट में 80 माइनस 20, तो यहां से आ गया h इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज 100, 80 माइनस 20 इज 60 अपॉन 2g 100 इंटू 60 अपॉन 2, जी का वैल्यू 10, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 100 इंटू 3, 300 मीटर की हाइट से बॉडी को गिराया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था। ये देखो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन ये आया था, जिसमें थर्ड इक्वेशन अप्लाई हो गया, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। अब आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे 26 नंबर क्वेश्चन, वो भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन जो वेक्टर से क्वेश्चन आया था जिसमें टार्क पूछा था, टार्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टार्क पूछा था उसको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।